सॉन्ग शूट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा गाना, बहुत खूबसूरत गाना है जिसको विनोद राठौड़ जी ने गाया है और ये स्पेशली होली के लिए बनाया है। दिस द प्रोफेशनल सॉन्ग। ऑलरेडी एक फिल्म में ये गाना आ रहा है हमारा, शकुंतलम बैंडिट शकुंतलम, एक ट्रू स्टोरी पे एक बायोपिक है बिहार की, जो अभी कांस में भी जारी पिक्चर, उस फिल्म का ये प्रोफेशनल सॉन्ग है जिसमें हमारे देव हैं और ये वेदांती हैं और ये क्या नाम, प्रीति, ठीक है ना? जी जी बिल्कुल करेक्ट है। बहुत खूबसूरत गाना है और उसको राज सहगल ने कोरियोग्राफ किया और ये हमारी डायमेंशन म्यूजिक पे ये होली पे रिलीज कर रहे हैं हम लोग। सर आप क्या कहना चाहेंगे, पूरा होली में भी बाकी है समय थोड़ा? जी होली एक ऐसा फेस्टिवल है जो पूरा इंडिया बहुत धूमधाम से मनाता है, इसमें सारे मजहब के लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस गाने को शूट करते हुए। और इसरार भाई के साथ मेरा ये पांचवा छठा गाना है, फैमिली की तरह हूँ, बचपन से इनके साथ रहा हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत ही फैमिली वाइब्स हैं। एंड बोथ माई को एक्ट्रेस वेदांती प्रीति, दे बोथ आर लाइक अमेजिंग, तो बहुत मज़ा आ रहा है शूट करने। वेरी टैलेंटेड, टैलेंटेड गर्ल्स। आपको कितना मज़ा आया गाने शूट करते हुए? मुझे ये गाना शूट करते हुए बहुत मज़ा आ रहा है, ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है विद इसरार सर, एंड आई मस्ट से दैट मुझे पहले बहुत नर्वसनेस थी, लेकिन अब यहाँ पे आके मुझे वो पूरी जीरो पे आ चुकी है। ऐसे लग रहा है मैं फैमिली के साथ ही हूँ, इतना अच्छा एनवायरनमेंट है, इतना फ्रेंडली, इतना मोटिवेटिंग एनवायरनमेंट है, तो और बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसा काम हो तो मतलब मज़ा ही आ जाता है, एंड आई एम श्योर दैट द सॉन्ग इज गोइंग टू बी अमेजिंग। आपके गालों पे अलग अलग कलर लगा हुआ है। हाँ जी, कौन कौन लगाया कुछ बताना चाहेंगे? एक तो यहाँ पे है ही जो जिन्होंने लगाया है, और सारे बाकी जो है हवा में उड़ रहा है, अपने आप आगे लग रहा है खूबसूरती को देख के। मैम आप क्या कहना चाहेंगे, आपके गालों पे भी अलग अलग कलर लगा हुआ है, किसने लगाया है? ये सारे खुशी के रंग है, और होली का जो त्यौहार है ये बहुत ही आई थिंक एक ऐसा त्यौहार है जो हर एक इंसान मनाता है और बहुत खुशी से मनाता है, तो सोचिए जब आपको वो खुशी एक शूटिंग के ज़रिए करने को मिलती है तो कितना अच्छा लगता है, और ख़ास तौर से जब आपके जो साथी कलाकार बहुत अच्छे हैं, आपके डायरेक्टर साहब बहुत ही एक कहते हैं ना उम्दा किस्म के एक डायरेक्टर हैं, आपको एक अच्छे से गाइड कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है जब आप सेफ हैंड्स में होते हैं तो वो ये वही कलर, उस तरह के कलर वाइब्रेंट होते हैं, तो आप वही चीज़ देख पा रहे हैं इस वक्त हमारे चेहरे पर। जी सर, बात की जाए गाने की तो कब और कैसे कहाँ रिलीज होगा? बस ये हमारा डायमेंशन म्यूजिक है, नया चैनल लॉन्च किया है अभी हमने, और सारे इसमें बड़े गाने पाइपलाइन में हैं। अभी हमने चार दिन पहले गाना रिलीज़ किया माही, मेरा माही, अभी इसी चैनल पे मेरा गाना आ रहा है 22 तारीख को सलमान अली का मोहब्बत, उसके बाद थर्ड गाना हमारा होली के मौके पे आ रहा है, ये जिसका नाम अभी डिसाइड नहीं किया है, बट ऑन होली रिलीज़, इसलिए जल्दी जल्दी शूटिंग कर रहे हैं कि होली के लिए तैयारी कर लें। उसके बाद फिर ईद पर हमारा आ रहा है खुदा हाफिज़, उसके बाद फिर हमारा हबीबी, फिर मौला, फिर फ़कीरा, जिसमें शब्बीर अहमद के भी म्यूज़िक है, गाने हैं, अल्तमस फरीदी है, सलमान है, मोहम्मद इरफान है, जितने भी आज रनिंग ट्रेंडिंग सिंगर हैं सब अच्छे सिंगर, अच्छे लिरिक्स, अच्छे एक्टर, देव हैं, वेदांती हैं, ये हैं, समीर मार, काफ़ी अच्छे एक्टर और सब लाइक ए फैमिली मेम्बर, और हमारे इन सबसे अच्छे हमारे प्रोड्यूसर मिस्टर लियाकत गोला, जिन्होंने हम सबको हिम्मत दी, सपोर्ट किया एक अच्छा काम करने के लिए। बस हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है, ये गाना आए उसको देखिए, खूब ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और अपना प्यार दीजिए। थैंक यू। देव जी आपने बचपन में कैसे होली खेला है कुछ बताना चाहेंगे? बचपन में हम लोग क्या करते थे, गुब्बारे भरते थे रात भर, पानी वाले, कलर वाले, और सुबह सुबह छत पे चले जाते थे और दूध वाला, न्यूज़पेपर वाला या कोई भी गेस्ट आ रहे हैं तो ऊपर से गुब्बारों की बरसात होती थी, और मीठा हमारे यहाँ पे सुबह सुबह होली शुरू होने से पहले ही हम ख़त्म कर चुके होते थे। हमारे यहाँ गुंजिया बनती है, गुजिया जो आपने खाई होगी, जो गुजिया, तो वो हम बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है मेरी, तो मैं गुजिया चोर कहलाता था बचपन में अपने घर में, तो जी हाँ उस तरीके से मीठा खा के और खुशियाँ बांट के आपस में एक दूसरे को गुलाल लगा के, बड़े लोगों के जो हमारे जितने भी पूर्वज हैं, जितने भी हमारे, उनका आशीर्वाद लेते हैं पूजा करके हम शुरुआत में, और जितने भी घर में बड़े लोग हैं उनके पैर छू के, उनको तिलक करके हम लोग होली की शुरुआत करते हैं, और इसी तरीके से होली मनाते आए हैं अब तक। मैम आपने बचपन में कैसे होली मनाया कुछ याद है आपको? हाँ जी, बचपन क्या, अभी तक भी मेरे जो कॉलोनी फ्रेंड्स, हमारा एक रिचुअल रहा है बचपन से लेके अब तक, हम हर होली में साथ में सब आएंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन लोग क्या काम कर रहे हैं, बिजी है, जो भी हो, लेकिन वी विल मेक श्योर कि हम होली के दिन मिले और हम सब साथ में टेरेस में होली खेलते हैं, और बस बहुत ही बहुत मज़ा आता है।
होली का मैं एक आपको वाक्य बताता हूँ। बेसिकली मैं कानपुर से हूँ और बींग ए मुस्लिम मेरे महल्ले में टोटल 7-8 घर थे हिंदू भाइयों के, बट मेरे मैं बॉर्न जरूर मुस्लिम में हुआ हूँ लेकिन बॉर्न हिंदू भाइयों में हुआ हूँ, स्पेशली सिंधियों में। तो हर होली में मैं अपनी गली में समझो करीब 100 मीटर के जो रेंज थी, हर साल मैं लाउड स्पीकर लगवाता था, ड्रम बनाता था पानी के, घर वालों से छुपा के भांग भी ले आता था और लास्ट में भांग पी के जाके घर में सोता था, दूसरे तीसरे दिन उठता था। ये हालत थी। सही है। आई मिस दो वो दिनों को याद करता हूँ, बहुत मिस करता हूँ बचपन के दोस्तों को, अपने भाइयों को। अब यहाँ की तो होली थोड़ा अलग टाइप की, और अपने यूपी की होली तो आपको पता है किस टाइप की होगी। पाकियों की कीचड़ वगैरह वाला होली नहीं खेलने का? नहीं सर, हम लोग वो लगाते थे, क्या बोलते, गोबर डाल देते थे उठा के, ये मार देते थे, बड़ा था अलग ही हिसाब किताब था। लेकिन बॉम्बे में थोड़ा भी सोबरनेस हो गई है, एक लिमिटेशन हो गई है, थोड़ा माहौल मौसम भी चेंज हो गया है। नहीं वो अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे लिए सब बराबर है। कितना सर ने इतना डांस कराया आपको होली के गाने को शूट करने के लिए, कितना कितना सुबह कितना वैसे मेहनत कर रही हैं आप? देखिए मैं तो सबसे पहले आ गई थी सेट पे, आई थिंक मुझे लगता है मैंने आज सबका स्वागत किया है क्योंकि जब मुझे कॉल टाइम दिया गया तो सबको लगा था कि मैं लेट आऊँगी, बट मैं जल्दी आ गई। तो मैंने आई थिंक सबसे ज़्यादा मेहनत की है, सर मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट दीजिएगा इस चीज़ का। एनी वेज छः बजे के कॉल टाइम एग्जैक्टली यहाँ थी और मेहनत ऐसी कराई है कि मज़ा आ रहा थी। आई इन्जॉय डांसिंग, डांसिंग मुझे पसंद है, बट आई थिंक सबसे ज़्यादा मेहनत देव कर रहे हैं, इनको देख के हमें भी हिम्मत आ रही है और तो अच्छा लग रहा है। अभी तो और मेहनत है। और होली का गाना है तो क्या होता है ना सर, होली के गाने में अपने आप ही नेचुरली वो एक हिम्मत आ जाती है, डांस करने का मन करता है, वो एक माहौल वैसा होता है। जिसको डांस नहीं भी आता ना, कि जिसकी टांग भी टूटी होगी वो भी 2-4 स्टेप कर लेगा, तो वैसे वाला मजा आ रहा है। हम एकदम कहते ना कि रिलीज के लिए क्या प्रॉब्लम, होली में 1.5 महीना समय बाकी है। हाँ तो 1.5 महीना है, हम होली से 1 हफ्ता पहले इसका ऑडियो रिलीज करेंगे, उसको ट्रेंडिंग करेंगे और होली से 3 दिन पहले गाना छोड़ेंगे और सोशल मीडिया प्रमोशन और है सब प्लानिंग है पाइपलाइन में, अच्छे से अच्छा करेंगे। देव भाई जी, ऐसा कोई जगह बचा है जहाँ भीगे नहीं हुआ? मैं मन से तन से और सब जगह से भीग चुका हूँ। ठंडा तो नहीं लग रहा आपको? सब जगह ठंडा लग रहा है लेकिन आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है बहुत। और होली जो है बिना रंग बिना पानी के तो अधूरी होती है, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बिना भांग के भी अधूरी होती है एक्चुअली। अगर आपसे ये पूछा जाए कि दो खूबसूरत हसीना आपके साथ में, सबसे पहले रंग किसने लगाया आपको? दोनों ने एक साथ लगाया, यही तो कमाल था, ये कमाल था, परफेक्ट टाइमिंग है। ये कहीं ना कहीं अब तक कसर नहीं छोड़ेगी, पहले इनका लगाते झगड़े हो जाते हैं, दोनों ने साथ में एकदम इसलिए प्लानिंग करके दोनों को टाइमिंग एक साथ ही करना लगाना है। हम चाह रहे थे कि साथ में उसको लपेट ले तो हमने साथ में एकदम देशवासियों को होली पे क्या कहना चाहेंगे सर? हमारी तरफ से शुभकामनाएं देशवासियों को बहुत दिल से, और हमारे देश में भाईचारा बना रहे, प्यार बना रहे जो हम बचपन से अभी तक देखते आए। थोड़ा सा माहौल में कशीदगी नज़र आती है तो उसका हम दोष अपने भाइयों को अपने दोस्तों को नहीं देते, हम कुछ राजनीतिक लोगों को देते हैं, बाकी समझदार हैं हम। आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं ये कहना चाहूँगा कि होली की सबको हार्दिक शुभकामनाएं, अच्छे से होली मनाएं, पानी कम यूज़ करें, पानी बचाएं, और जो रंग हैं जो पक्के रंग होते हैं उनसे ना खेल के गुलाल या फूलों के रंग से होली खेलें, खूब मीठा खाएं, बड़ों का आशीर्वाद लें, मिल बांट के रहें। और मुझे ऐसा लगता है, मैं पर्सनली क्योंकि इसरार भाई मेरे भाई जैसे हैं, मुंबई में मेरी फैमिली है, मैं ब्राह्मण हूँ ये मुस्लिम है, लेकिन कभी हमने आपस में आज तक शूटिंग शुरू करने से पहले आज पूजा हुई और इसरार भाई ने जूते उतार के गणपति जी की पूजा की, जो कि ऐसी चीजें हमारी इंडस्ट्री में देखने को मिलती है। मैं चाहता हूँ कि ये चीजें जो है लोगों को भी समझ आनी चाहिए कि ये मजहब बहुत साइड में होते हैं, हम सब पहले इंसान है, बाद में हम हिंदू और मुसलमान है, तो इसलिए पहले हम इंसान है, तो वो इंसानियत को हमें जिंदा रखना है सबके दिलों में, वो इम्पोर्टेंट है। ये पंडित हम पठान एक थाली में खाते हैं भाई, ये तो यही तो देश की खूबसूरती है। चल लोगों ने वो चीज़ खत्म नहीं होने देना है मरते दम तक, और यही बच्चों को सिखाते हैं। बस कुछ चंद स्वार्थी लोग हैं, अरे मस्जिद चाहिए ले जाओ, कितनी चाहिए प्यार से ले जाओ। चलिए वैसे कहना चाहिए सर ने बहुत बड़ी बात कह दी है, होली के रंग में अपनी दिल की बातें भी रख दी है। मैम आप क्या कहना चाहेंगी दर्शकों से? मैं बस सबको होली की शुभकामनाएं देना चाहूँगी और ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ प्ले अ सेफ होली, पानी का उपयोग ना करें तो बेटर है, कलर्स यूज़ करें, सेफली खेले, कुछ भी
किसी को हार्म ना करे, बस यही मैं यही मेरी इच्छा है. सो विश एवरीवन अ हैप्पी होली. मैम आप क्या करें चाहूंगी? मैं होली पे सिर्फ आप सभी को ये कहना चाहूँगी कि दोस्तों होली जो है वो प्रेम का प्रतीक है. होली जो फेस्टिवल है वो भाईचारे का फेस्टिवल है. उस दिन हम सब क्या था ना, सारी चीज़ों को भुला के आपस में एक दूसरे को प्यार करते हैं. तो सबसे पहले बहुत ज़रूरी अपने मन के मैल को हम लोग हटाए और आपस में एक दूसरे को कहते ना प्यार भरा रंग लगाए. तो आप प्लीज़ एक दूसरे को प्यार भरा रंग लगाइए और सेफ होली खेलिए. क्योंकि क्या होता है कि हम लोग कई बार होली के आड़ में कई बार कुछ हरकतें करते हैं, तो प्लीज़ वो हरकतें मत कीजिए. और बाकी जस्ट स्प्रेड लव एंड पॉजिटिविटी एंड हैप्पी होली गाइस. हैप्पी होली. हैप्पी होली. हैप्पी होली. हैप्पी होली. जय हिंद. जय हिंद. भारत माता की जय. थोड़ा सा फोटो लेते हो? हट जाओ. मैं रहता हूं, उनको काम करने दो. पीछे तो देखना भी तो चाहिए. सामने लोग दीजिएगा जी. सर आज होली सॉन्ग शूट करें, क्या कहना चाहेंगे? होली के मौके पे डायमेंशन म्यूजिक जो है हमारी होली का गाना लाइव करेगी. ये गाना जो है ना, ये मेरी मूवी का है बैंडिट शकुंतला का, जिसका साउंड ट्रैक भी डायमेंशन म्यूजिक के पास ही है. तो हम ये डबल प्रमोशन है, ये होली का गाना भी होगा और साथ में हम जो है हमारा बैंडिट शकुंतला का भी ये गाना पहला लाइव होगा होली पर. और बहुत अच्छा गाना है, राठौड़ ने जी ने गाया है. ओके. और ये गाना मूवी में जो है अलग पिक्चराइज है, जिसमें अभिमन्यु सिंह है और मूवी की स्टार कास्ट है. लेकिन ये जो अब शूट हो रहा है, जो आपने पीछे देख रहे हैं, ये प्रमोशनल सॉन्ग है जो हम जिससे हम पूरा प्रमोट करेंगे होली को और होली के गाने को. आज जो प्रमोशनल सॉन्ग शूट कर रहे हैं उसमें आर्टिस्ट कौन है, डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर तो इसरार अहमद है, फैज़ है, देव शर्मा है. ओके. वेदांति है और एक और है फीमेल लीड, मुझे मतलब प्रीति सूद. हाँ प्रीति सूद, राइट. प्रीति सूद एक और हैं. तो अच्छी स्टार कास्ट से हम ये सिर्फ प्रमोशनल सॉन्ग शूट कर रहे हैं अभी. होली में अभी काफ़ी समय बाकी है, कब तक रिलीज करने का प्रोग्राम है आपका? हाँ ऑब्वियसली अभी से तैयारी करेंगे तो होली पे आएगा गाना. तो गाना अब शूट होगा, कंप्लीट होगा, पोस्ट प्रोडक्शन करेंगे और हम आई थिंक 25 मार्च को होली है. तो ये 10 दिन पहले हम लाइव करेंगे गाना, ये कि लोग इसकी वो समझ सकें, गाने को मज़े कर सकें, गाने में इंजॉय कर सकें और होली तक हर कोई ये गाने को समझ जाए क्या है, रील्स बन जाए काफ़ी गाने की. सर बात की जाए होली की. हाँ. होली आपने बचपन में खेला है तो कैसे खेला है? अरे हमने बहुत होली खेला है. कुछ बताना चाहिए? बचपने में हम होली खेलते थे तो हमको याद है हम गुब्बारे मारते थे दूसरों पर और ऐसे चलते लोगों पर. ठीक है. फिर थोड़ा बड़े हुए तो कॉलेज में खेलना शुरू किया. फिर वहाँ से निकल के हमने प्राइवेट पार्टीज में खेलना शुरू किया, जहाँ बंगले में होती है. ठीक है. फ्रेंड्स लोग के साथ पूल्स में. और अभी तो होली ऐसे भी खेली जाती है कि लोग कलर से नहीं खेलते हैं, लोग सिर्फ मज़े करते हैं. मज़े से आप समझ गए क्या क्या होता होगा. ऐसा बचपन का वाक्य याद है जो दर्शकों को बताना चाहेंगे आप? हाँ होली का बचपने का वाक्य, हाँ याद तो है कि जैसा मैंने कहा कि गुब्बारे मारा करते थे तो हम लोगों ने, हमको याद है कि हमने गुब्बारे किया था ऊपर से पानी फेर कर, तो वो बंदे हमको आकर पकड़े थे, हमारे पीछे भागे थे और वो बड़ा एक बड़ा इंसिडेंट बन गया था. तो वो ऐसा कुछ हुआ था होली पर. तो जो दर्शक हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? डायमेंशन म्यूजिक लाइव हुई है, माही मेरा लाइव है गाना. अब और भी गाने आएंगे, सलमान अली के आएंगे, अल्तमश के आएंगे, मोहब्बत और खुदा हाफिज़, और साथ में आएगा ये होली का गाना. ठीक है ना, जिसका ना जो है जोगीरा गाने का नाम है पर वो है होली का. तो डायमेंशन पिक्चर्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मोहब्बत दीजिए और रील्स बनाइए. थैंक यू सर. वेलकम. जी सर. अभी फोटो नहीं है.